गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर क्लास सेकेंड. टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 5, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण. एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं. वर्ड्स लाइक टॉल, फैट, प्रेटी एंड नाइस दैट डिस्क्राइब नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है या एडजेक्टिव विशेषण भी बोला जाता है. जो संज्ञा या सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनकी विशेषता कोई बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. इन सर्कल, इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट है हमारा, इन सर्कल द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस देन राइट द एडजेक्टिव ऑन द लाइन. इस लाइन में से आपको एडजेक्टिव निकालना है. द फर्स्ट वन इज द बॉय वाज फ्लाइंग ए ग्रीन काइट. हेयर काइट इज अ नाउन एंड इस काइट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि वो काइट कैसा है. ग्रीन कलर, ग्रीन काइट. सो ग्रीन इज द एडजेक्टिव. सो राइट हियर ग्रीन. द नेक्स्ट, द वेट डॉग वाज प्लेइंग इन द वॉटर. हियर डॉग कैसा है, वेट डॉग है. सो दिस इज अवर एडजेक्टिव. Right here, wet. Next, we saw the funny clown. Funny clown, तो ये है हमारा funny adjective है. The red apple had a swarm inside. Red. Next, this clean pond. Clean. Next है match the adjectives with the noun they describe. The first, आपको मैच करना है उसके नाउन के साथ जो सूटेबल आपको लगता है. ब्लैक क्रो, न्यू कार, फनी स्टोरी, वाइट स्वैन, सॉफ्ट पिलो, ब्लू स्काई, ब्रेव सोल्जर, ग्रीन ग्रास, हैवी स्टोन्स, स्ट्रॉन्ग मैन. Now in the C part we see fill in the blanks with suitable describing words. जो इस पर सूट करते हैं वो कुछ आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसको आपको फिल करना है. द फर्स्ट वन इज अ जिराफ इज अ टॉल एनिमल. इट हैज अ लॉन्ग नेक एंड अ शॉर्ट टेल. इट ऑल्सो हैज फोर लेग्स. Second, an elephant is a big animal. It has a long trunk and big ears. It is grey in color. Write different adjectives to describe the following nouns. इन nouns को describe करने के लिए कुछ adjectives आपको अपनी तरफ से यहाँ पे लगाने हैं. The first, dash dog, cute dog, small dog. Next, dash hair, straight hair, curly hair. Dash flower, beautiful flower. Dash baby, cute baby. Dash apple, red apple. Milk, cold milk, hot milk. Next, adjectives comparison. Look at these. Encircle the heavy object and cross the heavier and tick the heaviest. Heavy जो भारी है, heavier जो उससे भारी है, एंड द हैवीएस्ट जो सबसे भारी है. सो सर्कल द हैवी, दिस इज हैवी. एंड वाटरमेलन इससे हैवी है बुक से. सो क्रॉस हमने इस पे किया, हैवियर. एंड द बेड इज द हैवीएस्ट. इन दोनों में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट. हैवी इज द पॉजिटिव डिग्री, हैवियर इज द कंपैरेटिव डिग्री, एंड द हैवीएस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. डिग्रीज हमारी 3 टाइप्स में है. द फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. वी यूजली हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट आर द 3 डिग्रीज कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव हैवी. हैवी के 3 ये हैं हमारे कंपैरिजन. दीज 3 डिग्रीज आर यूज टू कंपेयरिंग पर्सन्स और थिंग्स.
We usually add er to make the comparative and est to make the superlative. These are our degrees. First one is positive, comparative and superlative. सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हमें दो में कंपैरिजन करना हो, या एक जैसे किसी एक चीज में एक दूसरा ज्यादा बेटर है तो ये चीज इससे ज्यादा हैवी है तो उसमें हैवियर लगाएंगे, और कोई चीज जो सबसे ज्यादा हैवी है यानी जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा हो गई तो वो हो गई हमारी सुपरलेटिव. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह से ही हमारी डिग्री है. Read it and learn this. Write the comparative and superlative forms of the adjectives given below. One has been done for you. आपको इसकी comparative और superlative degrees write करनी है यहाँ पे. The first one is happy, happy, happier, happiest. Angry, angrier, angriest. Lazy, lazier, laziest. Lovely, lovelier, loveliest. And heavy, heavier, heaviest. Fill in the blanks with the missing forms. अब आपको यहाँ पे जो miss है उसको write करना है. जैसे first complete है आपका brave, braver, bravest. Second आपको दिया गया है sweeter. तो इससे पहली degree हमारी positive. Sweet, sweet, sweeter, sweetest. Fair, fairer, fairest. Thin, thinner, thinnest. Hard, harder, hardest. So this chapter is complete. बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं. दीज आर अवर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव. प्रैक्टिस इट बाय रीडिंग एंड आप अच्छे से इसको रीड करें, आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.